हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अपने जीमेल अकाउंट को कैसे हैक होने से बचा सकते हैं। अगर हम जीमेल अकाउंट को अपने हैक होने से बचा सकते हैं, दैट मीन कि हम अपने यूट्यूब चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं, अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, सिंपल से कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जो अभी मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो यार मेरे चैनल को, घंटे के बेल आइकन को जरूर दबा लो। तो अभी मैं बात करता हूं कि हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन क्यों करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है, हैकर्स हमारे मोबाइल को हैक कैसे कर लेते हैं, हमारे जीमेल अकाउंट को कैसे हैक कर लेते हैं। सिंपल सा फंडा है, वो लोग क्या करते हैं, फेक स्पॉन्सरशिप का आपको मेल करते हैं। जैसे कि मेरे पास किया था, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है इसके ऊपर, वो आपने वीडियोस नहीं देखा तो आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें क्या था, उसमें ये लोग क्या करते हैं, आपको एक मेल भेजेंगे स्पॉन्सरशिप का, उसमें एक लिंक दिया होगा, आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका डेटा वो एक्सेस कर लेते हैं, उन्हें आपका पासवर्ड पता चल जाता है। और वो जब पासवर्ड डालते हैं, आपका जीमेल अकाउंट डालते हैं लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल में, हैकर्स बता रहा हूँ मैं, तो वो अपने मोबाइल में, जैसे ही हैकर्स अपने मोबाइल में आपका जीमेल अकाउंट और पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको मैसेज शो करेगा कि ये मोबाइल आपका अकाउंट एक्सेस कर रहा है, यस और नो आपको आंसर देना होगा। अगर आप यस कर देंगे तो वो एक्सेस कर लेगा, अगर आपने नो कर दिया तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप लॉगिन ही नहीं कर रहे हो तो ये अकाउंट लॉगिन क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, आपको जब पता चल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हैकर्स हो सकते हैं, तो आप तुरंत इमीडिएटली अपना पासवर्ड चेंज कर देंगे। तो दोस्तों, यही है टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक यूट्यूबर के लिए। एक जीमेल अकाउंट को अगर कोई बंदा हैक कर लेता है, दैट्स मीन कि वो आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकता है, आपकी पर्सनल डिटेल निकाल सकता है, आपकी इमेजेस देख सकता है, आपके फ्रंट कैमरा को दोस्तों ओपन कर सकता है किसी भी टाइम। क्योंकि हमारा जो मोबाइल है ना, वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाता है जब, तो हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर इंटरनेट ही ओपन नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। तो हम आज यही देखने वाले हैं कि हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेके चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने जीमेल अकाउंट ओपन कर रखा है, आप भी अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो भी जीमेल अकाउंट है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल अकाउंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पर हमें सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। सिक्योरिटी का जब ऑप्शन मिल जाता है तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि सिंग इन टू गूगल। तो हमने लास्ट जो पासवर्ड चेंज किया है तो वहाँ पर ये दिखाता है कि 28 मार्च को मैंने चेंज किया था। नेक्स्ट जो ऑप्शन मिल रहा है, यूज़ योर फ़ोन टू सिंग इन, इसे भी मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑफ है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और जस्ट वंस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो इसमें आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ईच टाइम यू सिंग इन टू गूगल योर गूगल अकाउंट यू नीड टू योर पासवर्ड एंड अ वेरिफिकेशन कोड, मतलब कि जब भी आप को अपने जीमेल अकाउंट को किसी अदर डिवाइस में यूज़ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक ऑप्शन आएगा आपके पास, जैसे किसी ने भी, जैसे कि आप ही हो, अगर आप अपने मोबाइल अपना जीमेल अकाउंट को किसी दूसरे मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही आप अपना लॉगिन पासवर्ड और सब कुछ डालोगे और लॉगिन करोगे तो आपके मोबाइल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन आएगा, जिसमें आपका पहले से ही लॉगिन है, ठीक है। उस पर आता है और उस पर आपको यस और नो करना होता है, ठीक है। तो गेट स्टार्ट पर हम क्लिक कर देते हैं, गेट स्टार्ट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पासवर्ड पूछता है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जैसे ही हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन होता है, लॉगिन होने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मोटोरोला वन विजन जो मोबाइल है उसका नाम आ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है यूज़ योर फ़ोन एज योर सेकेंड स्टेप टू सिंग इन, मतलब कि ये सेकेंड स्टेप होती है जैसे ही आप सिंग इन करते हो किसी अदर मोबाइल में, तो यहाँ पर ऐसे ही जो यहाँ पर इमेज देख रहे हो ऐसे ही ऑप्शन आता है, उसमें यस और नो होता है। आप यस कर देंगे तो उस मोबाइल में ओपन हो जाएगा, अगर नो कर देंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है, यहाँ पर आपने कंटिन्यू किया, यहाँ पर आपको नंबर आ रहा होगा, नंबर यहाँ पर वही रहने देना है। एंड हाउ डू यू वांट टू गेट कोड्स,
आपको मतलब कि अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर कोर्स भी डालने के लिए एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंड कर दिया टेक्स्ट मैसेज। अब मतलब कि हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि गूगल जस्ट सेंड मैसेज। देखिए दोस्तों आ चुका है, मैंने इसे कॉपी कर लिया, इसे मैंने कॉपी किया, एंड कॉपी करने के बाद मैं दोस्तों यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। ये गूगल वैलिडेटिंग पिन होता है जो कि हमें पिन मांगता है, जैसे कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल में हमने नंबर लिंक कर रखा है अपने जीमेल अकाउंट का, तो जीमेल अकाउंट का जो नंबर मैंने लिंक किया है उस पर मैसेज आता है, मतलब कि उसे बोल सकते हैं कि ओटीपी आता है, ठीक है। तो इसे टर्न ऑन पर क्लिक कर देना। जैसे हम टर्न ऑन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, टू स्टेप वेरीफिकेशन यहाँ पर हमारा ऑन हो चुका है, वेरीफाइड बाई मोबाइल नंबर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। बैकअप कोड्स के लिए सेटअप कर सकते हैं, ऐड मोर सेकेंड स्टेप्स टू वेरीफाई इट्स यू, ऑथेंटिकेशन ऐप में सिक्योरिटी की डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे, यहाँ पर अगर हम टर्न ऑफ लिखा है, टर्न ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बैक कर देते हैं दोस्तों। बैक करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यही आपको सिंपली करना था, ये आपने ऑन कर दिया है। अब आपका जो जीमेल अकाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो चुका है दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट को दोस्तों हैकर से, हैक होने से बचा सकते हैं और सिक्योरिटी लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और आज आप सीख गए होंगे कि हम अपने जीमेल अकाउंट में कैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं और अपने मोबाइल को और हैक होने से बचा सकते हैं हैकर से, अपने यूट्यूब चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं। वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे बता दो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।